हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि इनमें से कौन सा एसिड जो है वो डेप्रिशिएबल एसिड नहीं है। सो लैंड जो है वो एक ऐसा एसिड होता है जो डेप्रिशिएबल नहीं होता। बाकी जो एसिड्स यहाँ पे दिए गए वो है फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। सो लैंड इसका आंसर है। उसके बाद ये कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है, इज द लैंग्वेज ऑफ वॉट, किसकी लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सो ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। और उसके बाद ये कि इंक्रीज होना एक एसेट के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। जब एसेट के अंदर इजाफा होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? उसको रिकॉर्ड किया जाता है लेफ्ट साइड पे या फिर डेबिट साइड पे अकाउंट की। और फिर है हमारे पास कि जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं वो हमेशा अफेक्ट करते हैं किसको? डेटर्स अकाउंट को। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता एज अ कंपोनेंट के तौर पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक के, वो है सैलरी सेलिंग स्टाफ की। और उसके बाद ये कि रिगार्डलेस के ये कि कितना लंबा लेता है कि प्रोड्यूस किया जाए और सेल किया जाए, इन्वेंटोरी को हमेशा कंसिडर किया जाता है क्या? करंट एसेट के तौर पर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो शो नहीं होता बैलेंस शीट में सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी ऑप्शंस हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट है, करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को पर्सन के दरमियान जो कि एग्री होते हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट जो है बिजनेस के कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि तमाम के तमाम कैरी करेंगे या फिर कोई एक करेगा। सो ये जो है डेफिनेशन दी गई है असल में आपको पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप अक्सर बुक्स में आप यही डेफिनेशन देखेंगे लिखी हुई है कि रिलेशनशिप होता है लोगों के दरमियान जो कि एग्री करते हैं कि शेयर करें प्रॉफिट को, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक कैरी करेगा या फिर तमाम के तमाम करेंगे एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद ये कि जब कैपिटल जो है वो फिक्स होते हैं इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा ड्राइंग के लिए जो पार्टनर करता है, वो है इंडिविजुअल पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिर ये कि एक डैश जो है बिजनेस वो होता है जिसके अंदर इनकम जनरेट होती है रीसेल के जरिए अबाउट प्रोडक्ट्स की, वो है मर्चेंडाइजिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी की, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और फिर हमारे पास कि एक अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जाता है बिजनेस के जरिए क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए, ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, रूटीन बुक कीपिंग टास्क को, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जब हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस प्रॉफिट में, इसका मतलब क्या है कि इनकम एक्सीड कर जाती है एक्सपेंडिचर को। और उसके बाद ये कि अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटोरी एग्जाम्पल है किसकी? करंट एसेट्स की। उसके बाद ये इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बुक्स के अंदर ABC कंपनी लिमिटेड की अगर फर्नीचर परचेज किया जाता है कैश के ऊपर? सो इसका जो आंसर है वो है कैश अकाउंट। और फिर हमारे पास अकाउंटेंसी जो है वो कवर करती है इनमें से कौन सा एरिया? सो इसके अंदर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तमाम के तमाम ये शामिल है जितने भी ऑप्शन दिए गए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हुआ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सब्सिडियरी बुक जो है वो मेंटेन होती है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के लिए? सो सेल्स डे बुक, लेजर्स, सेल्स रिटर्न और डेटर लेजर, ये तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा जब रेक्टिफाई करते हुए एरर को कैरिज अकाउंट, कैरिज चार्जेस के पे किया जाता है जो कि न्यू प्लांट परचेज के लिए मिस्टेकनली जो कि डेबिट हुआ था कैरिज अकाउंट के लिए? सो इसका जवाब ये कि बोथ प्लांट अकाउंट और कैरिज अकाउंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा जब रेक्टिफाई किया जाएगा एरर जो है अमाउंट 200 रुपीज रिसीव हुआ मिस्टर पी से, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था जिसको मिस्टर क्यू के अकाउंट में? सो बोथ मिस्टर पीस और मिस्टर क्यू अकाउंट। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सा आइटम जो है वो शो होगा डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट के सोल प्रोप्राइटरशिप के? सो वो है ड्राइंग्स। और फिर हमारे पास इन द आई ऑफ अ बिजनेस, सो कारोबार की नज़र में ऑनर और जो बिजनेस है वो सेम कंसिडर किए जाते हैं इन द आई ऑफ लॉस, कौन से कारोबार में? सो सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है। उसके बाद ये कि जब क्लोज किया जाता है स्टॉक को इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जो कि दिया गया ट्रायल बैलेंस में वो अफेक्ट करेगा क्या? बैलेंस शीट को सिर्फ। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो ऑनर्स है कंपनी के, वो हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं कंपनी के, कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। सो शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं। उसके बाद ये जो पर्सन साइन करता है आर्टिकल और मेमोरेंडम जो है कंपनी का और कंट्रीब्यूट करता है इनिशियल शेयर कंपनी का, वो कहलाता है क्या? सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। उसके बाद ये इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है रिलेशन जो है कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और फिर हमारे पास कि कंपनी डिक्लेयर करती है कैश डिविडेंड जो कि पेड होगा स्टॉक होल्डर को नेक्स्ट मंथ में, जो इफेक्ट होगा ट्रांजैक्शन का वो क्या है? डिक्रीज होगा एसेट्स में और स्टॉक होल्डर इक्विटी में। उसके बारे में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है
जिसके जरिए बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने ऑनर से, वो जाना जाता है किसके तौर पे, वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तौर पे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बिजनेस लाइबिलिटी की, वो है कैपिटल, बाकी लैंड बिल्डिंग कैश नहीं है, कैपिटल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर गुड्स सोल्ड किए जाते हैं क्रेडिट के ऊपर मिस्टर महमूद को, वो है सेल्स अकाउंट। और फिर हमारे पास कि एक डिक्रीज होना वैल्यू में एसेट्स की, फिक्स एसेट की एज, वेयर और टेयर की जाना जाता है किसके तौर पे, डेप्रिसिएशन के तौर पे। उसके बाद ये अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब, बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है, क्रेडिट बैलेंस होना कैश बुक के अंदर। उसके बाद ये कि स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग जो है वो कंसर्न करता है, कंसर्न स्टॉक ऑफ क्रेडिट कंसर्न जो है एक्चुअली सॉरी, ये असल में स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न जो है कंसिस्ट करता है क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सब्सिडियरी बुक मेंटेन की जाती है डेटर कंट्रोल अकाउंट के लिए, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब एक टाइपराइटर जो है वो सोल्ड होता है, डेट हैज बीन यूज, जो कि यूज हुआ ऑफिस के अंदर, सो इसका जवाब है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो नॉर्मली जो है वो ट्रीट किया जाता है लीस्ट लास्ट एक्सपेंस के तौर पे, लिस्ट होता है इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के, वो है इनकम टैक्स टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद ये बैलेंस शीट आइटम रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स जो कि इन्वेस्ट करता है ऑनर, वो जाना जाता है किसके तौर पे, ऑनर्स इक्विटी के तौर पे। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डेबिट होगा अगर कैश जो है वो ड्रॉन किया जाता है, निकालता है प्रोपराइटर, जो है प्रोपराइटर्स ड्रॉइंग अकाउंट। उसके बाद ये इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है अगेंस्ट, और चार्ज किसके अगेंस्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सी जो वो टाइप है कैपिटल अकाउंट की पार्टनरशिप में, वो है बोथ फिक्स एसेट फिक्स कैपिटल भी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी। उसके बाद ये इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को पर्सन के दरमियान। अच्छा ये दोबारा आ गया पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद ये कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस के अंदर अदर ट्रांजेक्शन जैसे कि ड्राइंग और प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड होती है सेपरेट अकाउंट में, वो कहलाता है करंट अकाउंट। उसके बाद ये कि जो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कहलाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद ये कि मर्चेंडाइज ऑन हैंड जो होता है आइथर बिगनिंग या फिर एंडिंग जो रिपोर्टिंग पीरियड के, वो कहलाते हैं क्या इन्वेंटोरी। उसके बाद ये इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है रूल्स और रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी की, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और उसके बाद ये कि किस सिचुएशन के अंदर पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है, सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर भी है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी है, और इफ एनी पार्टनर रिजाइन फ्रॉम द पार्टनरशिप। इनके किसी भी एक पार्टनर के जाने से या आने से पार्टनरशिप जो है वो डिजोल्व हो जाती है, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि टर्म जो है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, डैश बाय द बिजनेस, इसका मतलब होता है कि प्रोवाइड करना बेनिफिट्स बाय द बिजनेस। और उसके बाद ये कि जब एक लाइबिलिटी रिड्यूस या डिक्रीज होती है वो रिकॉर्ड की जाती है कहाँ पर, लेफ्ट या फिर डेबिट साइड में अकाउंट के है। उसके बाद ये कि अकाउंट रिसिवेबल और इन्वेंटोरी एग्जाम्पल इनमें से किसकी, कौन से एसेट्स की, करंट एसेट्स की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल नहीं है करंट एसेट की, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी ऑप्शन है अकाउंट रिसिवेबल, नॉट रिसिवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, सॉरी यहाँ पे बात हो रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेटमेंट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है प्लस डायरेक्ट लेबर, वो क्या है असल में, वो है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से एसेट जो है वो शो होते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू में बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि उनको रिटर्न डाउन वैल्यू में शो किया जाता है बैलेंस शीट में, वो है फिक्स एसेट। बाकी एसेट्स हैं यहाँ पर करंट एसेट, लिक्विड एसेट, फ्लोटिंग एसेट, लेकिन जो फिक्स एसेट है उनको शो किया जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज शोन, कौन सा अकाउंट बैलेंस शोन होता है क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस के, वो है कैपिटल अकाउंट। और फिर हमारे पास के इनमें से कौन सा जो है वो एक सेलिंग एक्सपेंस है, वो है टैक्स और फ्राइड पेड ऑन सेल है। उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट जो होता है लिमिटेड कंपनी का, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी ऑप्शन है हमारे पास जनरल रिजर्व है और रिवेल्यूशन रिजर्व है। उसके बाद ये करंट रेशियो जो इंक्रीज हो सकता है बाय कैसे, ओवर स्टेटिंग करंट एसेट से। उसके बाद ये पेमेंट जो इज मेड ऑफ अ कंपनीज परचेज ऑन क्रेडिट, पेमेंट जो है की गई जब कंपनी ने परचेज के क्रेडिट में, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो है कि डेबिट करना क्रेडिटर्स अकाउंट और क्रेडिट जो है वो कैश अकाउंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्रीज होता है जब एक एसेट जो है वो कन्वर्ट होता है एक्सपेंस में, एडजस्टमेंट में, वो है एक्सपेंस। उसके बाद ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कौन सा अकाउंट है इनमें से, कौन सा अकाउंट है फिक्स करंट या लाइबिलिटी, वो कॉन्ट्रा अकाउंट है असल में। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। उसके बाद ये कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होता है एडवांस में लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो रिपोर्ट किया जाएगा इनमें से किस अकाउंट में, प्रीपेड इंश्योरेंस में, क्योंकि वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, पेड हो चुका है इस वजह से। सो प्रीपेड इंश्योरेंस
उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कंपनी कोटेड कंपनी है, वो है लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है यूटिलाइज किया जा सकता है मीट करने के लिए एक्सपेंस जो है इशू ऑफ शेयर के, वो है शेयर प्रीमियम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी की, ऑथोराइज कैपिटल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कैप्चर करता है बहुत करंट ऑपरेटिंग रिजल्ट और एसोसिएटेड चेंजेस जो है बैलेंस शीट की, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। उसके बाद ये कि एक इनफॉर्मल अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो कि लिस्ट करता है लेजर अकाउंट बैलेंसेस को गिवे पॉइंट इन टाइम में, और कंपेयर करता है टोटल जो है डेबिट बैलेंस का टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस से, वो जाना जाता है किसके तौर पर, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ये कि जो अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शुड बी, वो क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद ये कि जो टोटल होता है ऑल कॉस्ट का इनकर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, वो जाना जाता है किसके तौर पर, कन्वर्जन कॉस्ट के तौर पर। उसके बाद ये कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है एक, वो प्रिपेयर किया जाता है किस लिए, एसर्टेन द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक स्टेटमेंट बैलेंस हैज बीन अकाउंटेड फॉर। उसके बाद ये कि जब इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है एक्सपेंसेस से स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक खास पीरियड के अंदर, वो जाना जाता है किसके तौर पर, नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट प्रॉफिट हो गया क्योंकि इनकम ने ज़्यादा हो गई, क्रॉस कर गई एक्सपेंसेस को, और वो भी हुआ है कि स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक खास पीरियड के अंदर। उसके बाद ये कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट बराबर है डैश माइनस एक्सपेंसेस, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि बिजनेस ऑन करता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर ऑपरेशन में, वो कहलाए जाते हैं एसेट्स। और उसके बाद ये कि अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 95,000 है, सेल जो है वो 2 लाख की है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख है, सो नेट रिजल्ट क्या होगा इसका, नेट रिजल्ट है 5,000 प्रॉफिट का। और उसके बाद ये कि अगर एक कंपनी ए बी सी जो है वो, उसका करंट एसेट है 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 75,000, फिक्स एसेट्स है 2 लाख, सो उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वो है 25,000।